नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बताऊंगी पांच कारण कि आपको एक एनवायरमेंटलिस्ट शादी क्यों करनी चाहिए पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में वो जो नोटिफिकेशन वाला बटन होता है उसको भी ऑन कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चले सो लेट्स बिगिन रीजन नंबर फाइव एनवायरमेंटलिस्ट लव कलीनेस एनवाटलिस्ट को साफ सफाई पसंद होती है तो अगर आपको भी साफ सफाई पसंद है और अगर आप शाम को ऑफिस से एक साफ सुथरे घर में वापस आना चाहते हैं तो आपको एक एनवायरमेंटलिस्ट से शादी जरूर करनी चाहिए Number four, कि इन्वायरमेंट एंड दे इन स्टिल गुड हैबिट्स इन योर किड्स उनको पर्यावरण की फिक्र होती है और आपके बच्चों में वो अच्छी आदतें डालेंगे जैसे कि कूड़ा यहां वहां न फेंकना खाना बर्बाद न करना पानी बर्बाद न करना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना और नेचर के क्लोज रहना। नंबर एनवायरमेंटलिस्ट लव प्लांट्स एंड एनिमल्स एनवायरमेंटलिस्ट को प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत लगाव होता है तो अगर आपको भी पेड़ पौधों से या जानवरों से लगाव है तो आपको एक एनवायरमेंटलिस्ट से शादी करनी चाहिए क्योंकि उससे आपका घर हरा भरा रहेगा और अगर आपके पास कोई कोई पेट पेट एनिमल है या अगर आप कोई लाना चाहते हैं, तो वो लोग स्वास्थ्य लो को लेके काफी होते हैं, क्योंकि में हमें बताया जाता है कि कौन से कंपाउंड से क्या नुकसान हो सकता है तो वो लोग स्वास्थ्य को लेके कॉन्शियस होते हैं उनको शेल्फ लाइफ ऑफ फूड की बहुत चिंता होती है कि कौन सा चीज कितने दिनों में बासी हो जाती है तो अगर आपको भी ताजा और स्वादिष्ट खाना पसंद है तो आपको जरूर एक एनवायरमेंटलिस्ट से शादी करनी चाहिए ताकि आपका किचन भी साफ सुथरा रहेगा और आपको हर रोज ताजा खाने को मिलेगा और आपको हेल्दी खाने को मिलेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट से शादी करना इतना जरूरी है जो ध्यान से सुनिएगा अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो ये पहला रीजन आपकी आंखें खोल देगा तो ये क्या है एनवायरमेंटलिस्ट आर मतलब वो कम में काम चलाते हैं उनको पता है कि ज्यादा चीजें खरीदना घर में ज्यादा चीजें इकट्ठा करना इसका मतलब ज्यादा उत्पादन को प्रोत्साहन देना और ज्यादा उत्पादन जब भी होता है तो इन्वायरमेंट का नुकसान होता ही होता है तो उनको पता है कि कम में काम चलाएं चीजें बर्बाद ना करें और जितनी जरूरत है उतना ही खरीदें मैं खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं और मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरे वॉर्ड्रोब के पच्चीस प्रतिशत कपड़े मैं इस्तेमाल नहीं कर लेती तब तक मैं और कपड़े नहीं खरीदूंगी और यहाँ तक कि जो कपड़े मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर पाती उसको मैं डोनेट कर देती हूँ थ्रिफ्ट स्टोर्स में ताकि दूसरे उसको इस्तेमाल कर सके और जो कपड़े मेरे या मेरे बेटी के किसी के भी इस्तेमाल के लायक नहीं रहते उनको मैं रिसाइकिल बिन में डाल देती हूँ ताकि वो उन कपड़ों को रिसाइकिल कर सके ठीक है तो अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट से शादी करते हैं तो आपका शॉपिंग में बहुत ही फालतू के पैसे नहीं जाएंगे और जो जरूरत की चीजें हैं वही घर में आएंगी घर भी साफ सुथरा रहेगा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर तरह से अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो एनवायरमेंटलिस्ट को कंसिडर कीजिए आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताए आज के लिए इतना ही मिलती हूं आपसे एक अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू